एजुकेशन इज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से G20 समिट के विदेशी मेहमानों की सुरक्षा की जाएगी। यह इवेंट 9-10 सितंबर को होने वाला है। इस दौरान कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखने पर ये कैमरे तुरंत सुरक्षा अधिकारियों को अलर्ट मैसेज भेज देंगे। इन कैमरे को वेन्यू और उसके आसपास के इलाकों में लगाया गया है। इनका इस्तेमाल संदिग्धों की पहचान के लिए ही नहीं, सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की निगरानी के लिए भी होगा। दिल्ली की हवाई सुरक्षा के लिए मिसाइलें तैनात की जाएगी। सेना के हेलीकॉप्टर एयर पेट्रोलिंग करेंगे, इनमें NSG कमांडो रहेंगे। समारोह स्थल के आसपास बड़ी और ऊंची इमारतों पर सेना और NSG स्नाइपर तैनात होंगे। पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है, यानी समिट के दौरान पतंग भी नहीं उड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां विदेशी मेहमान ठहरेंगे वहां एंटी ड्रोन सिस्टम और बुलेट प्रूफ शीशे लगवाए गए हैं। वहीं IT एक्सपर्ट की टीम समिट के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट ट्रेंड्स पर नजर रखेगी। G20 सम्मेलन के लिए आ रहे वर्ल्ड लीडर्स को चांदनी चौक के स्पेशल फूड और मिलेट्स के अलावा स्ट्रीट फूड परोसा जाएगा। G20 इंडिया के विशेष सचिव मुक्तेश परदेशी के मुताबिक शिखर सम्मेलन के लिए 10,000 से ज़्यादा लोगों के दिल्ली आने की उम्मीद है। इसके लिए शेफ मेनू को फाइनल टच देने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।